हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से एजेंट और रूट ऐड किया जाता है। तो ऐप में जब भी आप स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एजेंट ऐड करना होगा, देन रूट ऐड करना होगा, उसी के बाद आप कस्टमर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड करेंगे एक एजेंट फर्स्ट ऑप्शन से, दैट इज़ द ऐड मिल्कमैन। ऐड मिल्कमैन में जाने के बाद हम टाइप करेंगे मिल्कमैन की डिटेल्स। डिटेल्स ऐड करते वक्त हम मेंशन करेंगे कि कोई नंबर उनका व्हाट्सएप है या नहीं है। फर्स्ट नंबर हमारा सपोज व्हाट्सएप नंबर है, और ऐड करेंगे हम जीमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे आपको दिख रहा होगा मिल्कमैन स्टेटस। मिल्कमैन स्टेटस ये डिफाइन करता है कि वो मिल्कमैन अभी करंटली वर्किंग है या नहीं है। ये सब होने के बाद हम करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद अगर आपको लिस्ट देखनी है तो लिस्ट देखने के लिए हम जाएंगे व्यू लिस्ट में। यहाँ पे आपके सब एजेंट्स की लिस्ट शो हो जाएगी। लिस्ट शो होने के बाद अगर आपको पर्टिकुलर मिल्कमैन का डिटेल्स चेंज करना है तो आप उस मिल्कमैन के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देन एडिट, बैक जाके आप देख सकते हैं कि डिटेल्स चेंज हुई है या नहीं। एजेंट ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे उस एजेंट के लिए रूट। जिस एरिया में उस एजेंट को मिल्क डिलीवर करना है वो रूट अलॉट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ गई है हमारी एजेंट्स की लिस्ट। एजेंट्स की लिस्ट में हमने लेटेस्ट में बनाया था ईश्वर कुमार नाम का एजेंट, उसे हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यहाँ पर रूट ऐड करेंगे। रूट ऐड करने के बाद हम करेंगे सबमिट। इन केस अगर आपको एडिट करना है किसी एजेंट का रूट, तो आप राइट हैंड साइड में ऊपर में एक ऑप्शन है एडिट के लिए, ऐड रूट के, वहाँ क्लिक करेंगे, एंड देन जिसका भी रूट आपको एडिट करना है वो आप कर सकते हैं। एडिट एंड सेव।